नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरों में, मुख्य समाचारों में। इन वीडियो में जानेंगे दोस्तों, यहां पर आप तक पहुंचाएंगे मुख्य समाचार। हरियाणा में राहुल गांधी की पहली रैली में जनता का मूड दिखा, कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त लहर, बोले बीजेपी अयोध्या में हार गई क्योंकि, जानेंगे क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। तो दूसरी तरफ दोस्तों, कांग्रेस की गले की फांस बना हिमाचल नेम प्लेट विवाद, आपको बताएंगे दोस्तों। विक्रमादित्य को दिल्ली तलब कर हाईकमान ने लगाई फटकार, क्या कुछ अपडेट है जानेंगे। इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर को आप लोग बने रहिए साथ में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। आप लोग भी मानते हैं राहुल गांधी का प्रचार यहां पे कांग्रेस के लिए हरियाणा में प्रभावी होगा, जीत होगी, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में किया है चुनाव प्रचार का आरंभ दोस्तों। राहुल गांधी की पहली रैली में दिखा है जनता का मूड, शैलजा हुड्डा भी रहे मौजूद। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जनता का मूड पहली बार किसी रैली में इस तरह दिखा। नेता विपक्ष राहुल गांधी की पहली रैली असंध में हुई और उसी में जनता की मूड ने बता दिया कि चुनाव का नतीजा क्या रहने वाला है। राहुल ने अपनी रैली की शुरुआत ही कुमारी शैलजा के प्रभाव वाले क्षेत्र से की। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह उदयभान ने भी खुले दिल से यहाँ पे शिरकत की कार्यक्रम में। राहुल के अलावा इन दिग्गज नेताओं ने भी शैलजा को पूरा महत्व दिया। स्टेज पर राहुल की तरफ हुड्डा थे तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा कांग्रेस सांसद थी, नाराज बताई जानी थी, लेकिन राहुल गांधी की रणनीति ने सभी नेताओं को एक मंच पे ला दिया दोस्तों, जिससे मजबूती बढ़ी है कांग्रेस की। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, क्लीन स्वीप करेगी। राहुल गांधी बोले, अयोध्या में बीजेपी हार गई, अयोध्या का मामला भी उठाया हरियाणा में। राहुल ने बोले क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी और बॉलीवुड के सितारे दिखे, लेकिन कोई गरीब नहीं, ये कहना है राहुल गांधी का दोस्तों। आपको बताते चले राहुल गांधी इसके साथ ही बोले हैं, देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, सड़कें सब अडानी के हाथों में है, लेकिन आपको सिर्फ गलत GST और नोटबंदी दी गई। नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग हो रही पर हरियाणा के युवा रो रहे हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं हरियाणा में, यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध कराए बीजेपी ने, नौकरियां नहीं निकाली, इस प्रकार बरसे हैं बीजेपी पर राहुल गांधी। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट मामले पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से नाराज राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे, सूत्रों ने किया बड़ा दावा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा कि रेहड़ी, फास्ट फूड कॉर्नर और ढाबा मालिकों को काउंटर पर अपना नाम और ID यानी पहचान पत्र का कोई दस्तावेज लगाना होगा। वहीं कांग्रेस के गले की फांस बना है हिमाचल नेम प्लेट विवाद। इसी मामला प्रकार का दोस्तों यूपी में भी देखने को मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी बीजेपी सरकार को झटका। और वही कुछ दोस्तों, हिमाचल सरकार ने भी करने की सोची, विक्रमादित्य को दिल्ली तलब किया गया और हाईकमान ने लगाई है फटकार। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे बयान से नाराज बताए जा रहे थे और जिसके बाद हिमाचल सरकार बैकफुट पे दिखाई दे रही है दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली से, जहां पर विधानसभा सत्र बुलाया गया था दोस्तों दिल्ली सरकार की ओर से। आपको बताते चाहे दिल्ली विधानसभा से निकाले जाने के बाद भाजपा विधायकों ने खुद अपनी विधानसभा लगाई। आपको बताते चले अनोखा मामला, दिलचस्प मामला देखने को मिला है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आयोजित हो रहा है, लेकिन सत्र के पहले ही दिन हंगामा भरा माहौल देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों को दिल्ली विधानसभा से बाहर कर दिया, जिसके बाद हंगामा बढ़ना लाजमी था दोस्तों। उसके बाद क्या, बीजेपी विधायक इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने अपनी ही विधानसभा लगा ली। देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पे दोस्तों अनुशासनहीनता दिखाई बीजेपी विधायकों ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इन्हें निष्कासित किया गया दिल्ली विधानसभा से, नई मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रही दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करना भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मुश्किल भरा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का विरोध भाजपा हाईकमान के गले की फांस बना है। भाजपा प्रत्याशियों के हो रहे विरोध से अंदाजा लगाया जा सकता है इस चुनाव में भाजपा की राह हरियाणा में आसान नहीं। हरियाणा के नारायणगढ़ में तो भाजपा प्रत्याशी का विरोध करने वालों पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसी तरह हिसार में भाजपा प्रत्याशी कमल गुप्ता के समर्थन में जनसंवाद कर रहे पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर को एक युवक ने यहां तक कह दिया कि आपका प्रत्याशी चुनाव में हारेगा। इतना ही नहीं,
फतेहाबाद के टोहाना से जेजेपी छोड़ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे देवेंद्र बबली को उनके क्षेत्र में लगातार विरोध का सामना करना पड़ा। किसान आंदोलन के दौरान दिए गए बयानों को लेकर किसान संगठन देवेंद्र बबली के खिलाफ उग्र रूप से यहां पे आक्रामक दिखाई दिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। बड़ी खबर दोस्तों महाराष्ट्र से आ रही है। मानहानि केस में संजय राउत को 15 दिन की जेल के कुछ ही घंटे बाद मिल गई जमानत। बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक बोलने वाले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा मिलने के कुछ ही घंटे बाद जमानत मिल गई। इसके साथ ही राउत की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, जिससे उन्हें अपील दायर करने का समय मिल गया। मुंबई की एक अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में राउत को या कारावास की सजा सुनाई। मझगांव की मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी पाया। वह दोस्तों अदालत ने राउत को 15 दिन की कैद के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन दोस्तों अपील दायर करनी थी, इसीलिए यहाँ पे कुछ समय दिया गया है, सजा को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। वसुंधरा राजे को दी जा सकती है बीजेपी की कमान। जी हाँ दोस्तों, इस समय की ताजा अपडेट संघ की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। जहां कई नामों की चर्चा हो रही थी, वहीं इसी बीच संघ के अड़ने के बाद मोहन भागवत ने दोस्तों यहां पर बड़ी बात कह दी है। जी हाँ दोस्तों, संघ ने यहां पे सीधे तौर पर बीजेपी की सभी सलाहों को ठुकरा दिया है। सलाह यहाँ पे पीएम मोदी गृह मंत्री शाह द्वारा दी गई थी। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर विचार करने की गुहार लगाई गई, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो कि आक्रामक रुख अपनाए हैं, सीधे तौर पर कहें तो पीएम मोदी के खिलाफ संघ ने सलाह ठुकरा दी और यहाँ पे दोस्तों वसुंधरा राजे के नाम को आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर आपको बताते चलें, सीधे तौर पर वसुंधरा राजे कई दिनों से अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी ही पार्टी आप बीजेपी आला कमान पर निशाना साध रही थी, कार्यक्रमों से बीजेपी की दूरी बनाई, लेकिन उनका नाम अब यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौड़ में दोस्तों शामिल हो गया है और संघ उन्हें यहाँ पे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला कोर्ट पहुंचा। लखनऊ से दिल्ली तक की अदालतों में हो रही है सुनवाई। जी हाँ, राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी नए षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ पड़ी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की अदालतों में उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है, नोटिस जारी किया है। वहीं राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, जो फिलहाल के लिए टल गई। लखनऊ हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया और गृह मंत्रालय से जानकारी तलब की गई है। दोस्तों आपको बताते चाहे, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार राहुल गांधी को लेकर कई मामलों में याचिका दायर कर रहे हैं। राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया जा रहा है इनकी ओर से। वहीं दोस्तों आपको बताते चाहे, राहुल गांधी के खिलाफ इससे पहले भी इसी प्रकार की याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन तब यहां पर ये याचिकाएं खारिज हुई थी। माना जा रहा है इस बार भी याचिका खारिज होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।